8 दिसंबर बॉलीवुड के हीमैन का बर्थडे है धर्म जी का. अच्छा, तो आप लोगों से अगर एक रिएक्शन जानना चाहेंगे, पॉइंट जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहे आप. धर्म जी, आई लव, आई रिस्पेक्ट, मैं बल्कि उनसे बहुत से पहले यही मिला था और बहुत अरसे बाद मिला था, बहुत प्यार से मिला हूँ. धर्म जी हैं, वी लव हिम, वी रिस्पेक्ट हिम. अनुप कपूर साहब, आप कुछ उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है. मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे असीम कलाकारों में, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो उनको प्यार नहीं करता. पूरी जनता जो है आज है हिंदुस्तान की. मैं कितने शोज में गया हूँ और देखा हूँ बहुत सारे एक्टर साथ में होते हैं धर्म जी के. उनकी फिल्में रिलीज हो ना हो, शायद यू नो कभी कभी मैं जो रिएक्शन उनको मिलता है हम लोग को नहीं मिलता. तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ग्रेट एक्टर, फिनॉमिनल एक्टर. उनकी वजह से ऐसा कोई कॉमेडी नहीं कर सकता. मुझे मैंने उनकी कॉमेडी फिल्म देखी है, चुपके चुपके इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अदर फिल्म फूल फूल और पत्थर, द फर्स्ट ही मैन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, जिसने इन्होंने आजकल हम मैंने तो नहीं उतारी शर्ट अब तक, मगर पहली पहला यू नो ही वाज द फर्स्ट सुपरस्टार एक्टर टू रियली यू नो रिमूव हिज शर्ट एंड पूरा पत्थर, और लोग पागल हो गए थे. एंड आई रिमेंबर एज अ किड व्हेन आई वेंट टू वॉच इन द थिएटर, इट वाज जस्ट पीपल जस्ट स्टार्टेड क्लैपिंग एंड व्हिस्टलिंग यू नो एंड वी सॉ. तो हम सब फैंस हैं उनके, और यू नो ही टुडे इज 80 इयर्स ओल्ड. मुझे लगता है he is superstar till 100 years old and taught this. You know, let me just say, Dharamji was a big star when I entered the industry. And the first film that I actually shot was a film called Talash, with O.P. Raghavan directing. So, it was actually my first film and Zeenat Aman's first film. And he said, man, you know, Gopi Ranan has taken us, how fantastic. So I went to Ranan Sahab, I said, Ranan Sahab, film the story ki hai, script kamal karna hai, main taram no star banata hai, tu mere ko script ban gaya, sharam nahi aati. No, need to tell story. Pata chala, I wasn't the hero, Zeen Taman wasn't the heroine, Ranan Sahab himself was the hero, Helen was the heroine, and I and Zeen to background music. इसलिए मैंने उस फिल्म पे नाम नहीं दिया.